इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलवर के कंपनी बाग में जनसभा को संबोधित किया। योगी ने अलवर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी महंत बालकनाथ योगी के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी है तो मुमकिन है। मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगना मोदी सरकार की सफलता है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को गुंडाराज से मुक्त दिलाई है। अलवर के विकास पर बोलते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अलवर का विकास अधूरा रहने से बालकनाथ के गुरु स्वर्गीय चांदनाथ योगी बीमारी की अवस्था में ही चिंतित रहते थे। अब योगी बालकनाथ उनकी विरासत संभालेंगे और अलवर का विकास करेंगे। कंपनी बाग में आयोजित सभा में जनसमूह को देख करके यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुशी का इजहार किया। आज हमारा विंग कमांडर पाकिस्तान के फाइटर को गिराने के बाद कहीं पर वह पाकिस्तान के अंदर गिरता है तो 48 घंटे के अंदर हमारा विंग कमांडर सुरक्षित भारत आ जाता है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है ये न्यू इंडिया है, ये नया भारत है। अगर थोड़ी भी नजरें टेढ़ी होंगी तो पता लगा कि नक्शे से पाकिस्तान ही गायब हो गया है। आप कैसा भारत चाहते हैं? एक समृद्ध और सुरक्षित भारत चाहते हैं ना? ये कौन बना सकता है? केवल मोदी बना सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, यही कारण है पूरे देश के अंदर एक ही गूंज है, मोदी मोदी की एक ही नारा है, फिर एक बार मोदी सरकार। और मोदी सरकार लाने के लिए अलवर की सीट भी जब भारतीय जनता पार्टी के कमल चुनाव चिन्ह पर आएगी तो मोदी जी की 400 सीटों की श्रृंखला जो जीत की आने वाली है उसमें एक मणि अलवर की भी होगी।